मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हम किस प्रकार मृत्यु के डर को अपने मन से समाप्त कर सकते हैं। मृत्यु का डर हमारे मन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि मृत्यु हमारे लिए पूर्णतः अनजान है, और जो हमारे प्रियजन वहाँ चले जाते हैं, मृत्यु के बाद उनकी क्या स्थिति है ये बताने हमें लौट कर भी नहीं आते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महान, बहुत विद्वान लेखक और धर्म के ज्ञाता डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी के कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। इस तरह की कुछ महान, कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु के निकट अनुभव हुए हैं। उन लोगों के अनुभवों के आधार पर और ज्ञान के आधार पर हम अपने मनन चिंतन के आधार पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई विधि नहीं है। जोसेफ मर्फी जी का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि 36 वर्ष की आयु में जब वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, उस दौरान वो लगभग 3 दिन तक बेहोशी की स्थिति में रहे। इसे आप एक गहरी कोमा की स्थिति मान सकते हैं। और उन्होंने जो अपने निकट मृत्यु का जो अनुभव शेयर किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के बाद का अपना जो अनुभव शेयर किया वो एक बहुत बहुत खूबसूरत दुनिया का और आनंदमयी अवस्था को वर्णित करता है। और ऐसे एक नहीं हैं, ऐसे ढेर सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं लोगों को हुए हैं, कुछ विशेष आत्माओं को हुए हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया के उस परम सुकून को, आनंद को महसूस किया है। जोसेफ मर्फी जी जब 36 वर्ष की अवस्था में बहुत अधिक बीमार थे और लगभग 3 दिनों तक वो एक गहरी कोमा की अवस्था में थे, उस समय जो उनको अनुभव हुए हैं उनके अनुसार उन्होंने महसूस किया कि वो इस पूरे समय उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस किया, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपने उन रिश्तेदारों से बात करने की, उनसे मिलने की बात कही जो इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके थे। एग्जैक्ट उनके शब्दों में जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किया, एग्जैक्ट उनके शब्दों में ये था कि मैं जानता था कि मेरे पास एक शरीर था, लेकिन यह एक भिन्न शरीर था। यानी मृत्यु के बाद उन्होंने शायद अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस किया जिससे मैं बंद दरवाज़ों के पार जा सकता था। जब भी मैं लंदन, पेरिस या बेल्जियम, जहाँ मेरी बहन थी, उसके बारे में सोचता था, मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाता था और हर चीज़ को देख और सुन सकता था। और ये इकलौता अनुभव नहीं है, इस तरह के अनेक अनुभव मैंने पढ़े हैं जिसमें इस अनुभव से गुजरने वाली आत्माओं ने ये जिक्र किया है कि वो जो जब वो मृत्यु निकट अनुभव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अब जब भी जिस भी स्थान के विषय में उन्होंने दिल से सोचा, अपने आप को वहाँ उस व्यक्ति के समक्ष, दूरी वहाँ मायने नहीं रखती, स्थान की दूरी वहाँ मायने नहीं रखती, वहाँ उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति के समक्ष देखा। मर्फी जी के अनुसार वहाँ उन्होंने अपने मित्रों से और अपने स्वर्गीय प्रियजनों से बात भी की, लेकिन संवाद करने के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। वहाँ हर व्यक्ति विचार के द्वारा ही एक दूसरे से बात करता था, यानी एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकने की क्षमता उन्होंने महसूस करी। और वहाँ हर चीज़ बहुत जीवंत दिखाई दे रही थी और मुझे समय का कोई भान नहीं था। यानी मृत्यु के बाद समय और स्थान की दूरियां मायने नहीं रखती। और सबसे विशेष बात जो उन्होंने कही कि वो अपने आप को बहुत स्वतंत्र, बहुत आनंदित, बहुत शांतिपूर्ण अवस्था में महसूस कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि वो अपने शरीर से अलग हैं, डॉक्टर किस प्रकार उनके कमरे में आया, डॉक्टर ने उनके शरीर को छुआ और डॉक्टर के लफ्ज उनके कानों तक पहुंचे जिसमें डॉक्टर ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि यह मर चुके हैं। वो साफ साफ डॉक्टर को और अपने जो उनके प्रियजन आसपास थे उस कमरे में, उन्हें देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, लेकिन जो उनके प्रियजन हैं, डॉक्टर हैं, उन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया और वो आखिरी बार उनके
हृदय को पंप करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उनकी सांसें वापस लौट आएं। उस समय जब मर्फी जी ये सब देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, और वो ये बात कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं लौटना चाहता, क्योंकि मैं जहाँ हूँ बहुत आनंदित हूँ, मैं दोबारा इस शरीर में नहीं आना चाहता। लेकिन उनकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। वो इतनी आनंदित, शांत और इतना असीम सौंदर्य अपने आसपास महसूस कर पा रहे थे कि वो इस पृथ्वी लोक में दोबारा नहीं आना चाहते थे, और वो ये कहना चाह रहे थे कि अभी तो मैंने इस अवस्था का आनंद लेना ही शुरू किया है, यहाँ के सौंदर्य को अभी महसूस करना ही शुरू किया है, मैं इस भूलोक पर वापस नहीं आना चाहता। और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने शरीर में जा रहे हैं, और अचानक हर जो वो आनंद महसूस कर रहे हैं, परम सुख महसूस कर रहे हैं, परम सौंदर्य महसूस कर रहे हैं, उसे छोड़कर अपने शरीर की ओर लौट रहे हैं। अचानक हर चीज़ दूर हो गई, और जब वो जागे तो वो एक बहुत सदमे किसी स्थिति में थे। वो एक दूसरे आयाम का सुंदर अनुभव लेकर लौटे थे। जोजेफ मर्फी जी लगभग 72 घंटे इस स्थिति में रहे। मर्फी जी के अनुसार, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस समय हम बस अपने मन के ज़्यादा ऊंचे आयामों पर कार्यरत होते हैं। और एग्जैक्ट मर्फी जी के शब्दों में, क्योंकि हम ईश्वर में जी रहे हैं जो कि असीमित है, और हमारे जो प्रियजन गुजर चुके हैं वे भी अपना जीवन ठीक वहीं जी रहे हैं जहाँ हम हैं, वो बस ज़्यादा ऊंची आवृत्ति या ज़्यादा ऊंची फ्रिक्वेंसी पर जी रहे हैं। यह संभव है कि आपके कमरे का पंखा इतनी तेज गति से चलता हो कि आपको उसकी पंखुड़ियाँ नजर ना आती हों, लेकिन वो हैं। और इसी तरह हम केबल के माध्यम से 50 अलग अलग आवाज़ें भेज सकते हैं, और वो एक दूसरे से इसलिए हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रम अलग अलग वेवलेंथ की वजह से एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, लेकिन वो हैं और वो अलग अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते। हम सारे धरातलों पर रहते हैं और हमारी यात्रा हमेशा आगे की ओर, ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर होती है। और इस नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद मर्फी जी एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक, लेखक, शिक्षक के रूप में, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी, और उन्होंने हर धर्म का बहुत गहरा, एक गहरा अध्ययन किया। वो हिंदू धर्म को जानने समझने की ओर भी गए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भी जाना समझा। यानी इस ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, इसके बाद बहुत सकारात्मक और उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त करने के अनुभव जो उन्हें हुए, और उन्होंने अपनी बुक्स में इनका जिक्र किया है। और इस तरह के हज़ारों केस हैं जिनमें नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद मनुष्यों के जीवन में बहुत ही सुंदर सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, और वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो गए हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि मृत्यु के प्रति जो उनका एक विचार थे वो भी परिवर्तित हो गए, और हर पल जो उन्होंने अपना जीवन जिया, अपने आप को एक एक दिन करते हुए मृत्यु के निकट अनुभव किया, वो भी उनके लिए सुखदायी था, आनंददायी था। तो उन लोगों की बात है जिन्होंने इस अनुभव को पाया। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस अनुभव से नहीं गुजरते ना, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जिनको इस तरह के अनुभव हुए हैं। यहाँ मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहूँगी, जिसमें, अब ये मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ा था इसलिए एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, ये शायद एक भारतीय मूल की अमेरिका सेटल महिला का केस था। सुनीता नाम की महिला थी जिनका, जो कि कैंसर की लगभग अंतिम स्टेज पर थी, और डॉक्टरों द्वारा कि अब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उस अवस्था में थी। उस समय में उनको, जबकि वो डॉक्टरों द्वारा कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, आप इनके फैमिली मेम्बर्स को बुला लीजिए, इनका अंतिम समय है, ऐसी अवस्था एक आ चुकी थी कि इनको घर ले जाइए, ऐसे समय में उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं मृत्यु के बाद
का अनुभव से गुजरी हूँ। वहाँ मैंने बहुत ही सकारात्मक सफ़ेद प्रकाश को महसूस किया, एक बहुत सुखदायी आनंददायी अवस्था में अपनी आत्मा को देखा। वहाँ मैंने अपने स्वर्गीय प्रियजनों को भी देखा और एक उच्च डिवाइन सोल को भी मैंने अपने समक्ष देखा। और सुनीता जी के अनुसार भी उन्होंने अपने आप को इतनी सुंदर, इतनी सुखद अवस्था में महसूस किया कि वो वहाँ से लौटकर वापस नहीं आना चाहती थी। उन्होंने महसूस किया कि एक उच्च डिवाइन सोल द्वारा उनको ये कहा जा रहा है कि उनको अभी वापस अपने शरीर में जाना होगा, और ना चाहते हुए भी वो अपने शरीर में दोबारा लौट आई। ये तो उनका व्यक्तिगत अनुभव था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत चमत्कारिक था। इसके बाद सिर्फ कुछ ही दिनों में उनका कैंसर, जो कि लगभग लाइलाज अवस्था में था, वो समाप्त होना शुरू हो गया। और एक समय के बाद कुछ ही दिनों में वो पूर्णतया कैंसर मुक्त हो गई, स्वस्थ हो गई। और ये एक ऐसा अचंभित करने वाला अवस्था थी जिसको लेके डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इस स्टेज से कैसे कोई व्यक्ति बाहर निकल के स्वस्थ हो सकता है। लेकिन सुनीता जी के केस में ये हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर अपना एक जो ये मृत्यु का बाद का जो अनुभव था उसे भी शेयर किया। और ना सिर्फ इस मृत्यु के बाद की दुनिया का अनुभव लेके वो लौटी, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ से जो वो सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर के लौटी, जो एक हीलिंग की ऊर्जा अपने अंदर भर के लौटी, उन्होंने अब उस ऊर्जा ने उनके इस शरीर को भी स्वस्थ और सुंदर बना दिया। धीरे धीरे उनकी बीमारी जड़ मूल से समाप्त हो गई, और उसके बाद उन्होंने आज भी वो जीवित हैं और एक स्वस्थ जीवन बिता रही हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो वहीं से एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। हम अपने आसपास मौसमों में, पक्षियों में, फूलों में, कीड़े मकोड़ों में जो हर समय एक नवीनीकरण देख रहे हैं, एक फलीकरण देख रहे हैं, एक उनका पुनर्जीवन देख रहे हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है तब हम लोग डर जाते हैं। जीवन एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, और जिसे हम मृत्यु कहते हैं उसमें एक पुरानी चीज़ को त्याग कर एक नई चीज़ को पाने के लिए पुरानी चीज़ को त्यागना, ये इस प्रक्रिया का एक रूप है। हमें इस बात को समझना होगा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो कुछ नहीं है, बस एक नए आयाम में अब उनके लिए एक नया घर है, उनके लिए एक नया शरीर है, और उनके करने के लिए कुछ नए कार्य हैं। लेकिन इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए हम प्रार्थना के द्वारा उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि वो हमारे प्रियजन जो नए कार्य कर रहे हैं, नए लोक में हैं, वहाँ तक उन्हें प्रेम, शांति और खुशी की वाइब्रेशंस पहुँचाएं, परमात्मा का प्रेम और सौंदर्य उन तक पहुँचाएं। और हमें इस तथ्य पर भी यकीन रखना होगा कि जो सकारात्मक सोल्स होती हैं वो ईश्वर के बहुत बहुत निकट होती हैं, बल्कि मृत्यु के बाद और भी अधिक निकट होती हैं। आपकी उच्च कोटि की स्वर्गीय आत्माएं जहाँ हैं ईश्वर भी वहीं हैं, और जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ हमेशा सौंदर्य और आनंद ही होता है। अंतिम समय में टॉमस एडिसन, जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो शब्द कहे थे कि वहाँ बहुत सौंदर्य है, ये शब्द शायद उनके अवचेतन मन से निकले थे। इसलिए जो भी आपके स्वर्गीय प्रियजन चले गए हैं, इस बात को समझिए कि वो ईश्वर के साथ उनके स्थान पर रह रहे हैं, ज़्यादा खूबसूरत स्थान पर रह रहे हैं, बस उसकी फ्रिक्वेंसी हमसे अलग है। ये ऐसे ही है जैसे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यहाँ इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेट हैं, कहीं और भी जीवन हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन ही नहीं है, जीवन है और यहाँ से बहुत बहुत सुंदर है। इस बात को समझिए कि इस धरती पर रहते हुए आप जिन महान दिव्य आत्माओं से एक झलक पाने को तरसते हैं, एक पल का उनका एहसास पाने को तरसते हैं, आपके स्वर्गीय प्रियजन उन्हीं फरिश्तों के उन्हीं दिव्य आत्माओं के साथ हमेशा रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अतुलनीय सुंदर अवस्था होगी। जिस सुंदर स्थिति का एक क्षण पाने को आप तरस रहे हैं, वो उस सुंदर स्थिति में हमेशा हैं।
ये जो केस मैंने आपको बताए हैं ये पूर्णतः सत्य घटनाएं हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जब कुछ पलों का, सेकंडों का, मिनटों का नियर डेथ एक्सपीरियंस पाके, उस दुनिया का थोड़ा सा आभास पाके, जो आत्माएं वहाँ पर कुछ समय, जरा सा समय गुजार कर आती हैं, उनके जीवन में जो इतने खूबसूरत परिवर्तन आते हैं, इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी सुंदरता भरती है उनके जीवन में, जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए टच करके आए हैं उस अवस्था को, तो जो उस अवस्था में पहुंच ही गए हैं, उस स्थान पे पहुंच ही गए हैं, वो कितने आनंदित होते होंगे। आप सभी पर परमात्मा का सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान हासिल करें। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हम किस प्रकार मृत्यु के डर को अपने मन से समाप्त कर सकते हैं।